किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लोटस वर्ल्ड में। राहुल भाई ने कहा कि भाई मोदी जी ने 1200 किलोमीटर भारत का भूखंड चाइना को दे दिया अपनी इमेज बचाने के लिए। राहुल भाई थैंक यू वेरी मच, अगर आप नहीं बताते तो हमको पता ही नहीं चलता। तो आप जो रेगुलरली हम सबको अपडेट देते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट दिया करें। और इसी अपडेट पे कुछ प्रश्न है हमारे जो कृपया आप तक पहुंचे और आप इसका हमको उत्तर दें तो हमारे भी ज्ञान कोश का कोश में वृद्धि हो। तो हम आपसे प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि आप बार बार मोदी जी से लगातार मोदी जी से ऐसे तीखे प्रश्न पूछते रहिए और कुछ प्रश्न हमारे पास भी हैं जो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे ओर से हमारे बिहाफ पे मोदी जी को पूछें और मोदी जी से उसका उत्तर उसका आंसर लेने की चेष्टा करें। तो चलते हैं कि चाइना 1200 किलोमीटर अंदर आ गया है या हमने चाइना को 1200 किलोमीटर दे दिया है, तो मतलब आधा भारत तो हमने दे दिया है। तो आपके इर्द गिर्द आपके आसपास जो चीनी लोग दिखते हैं आपको, तो उनसे पूछिए राधा मतलब मोदी जी से पूछिए कि भाई डोकलाम के समय आप जब चाइना वालों से मिले थे तब आपने क्या दिया, तो ये आप मोदी जी को पूछना। तो मोदी जी आपसे पूछेंगे, आपकी माता जी से पूछेंगे, जवाब लेंगे और फिर मोदी जी आपको और हम सबको जवाब देंगे। हमें तो नहीं देते, शायद आपको दे देंगे, तो आप हमको जरूर बताना। फिर आई थिंक पास्ट में कुछ 2008 में आपने कुछ MOU साइन किया था चाइना वालों के साथ में, तो मोदी जी से भी आप ये पूछना कि 2008 में वो जो MOU है वो क्या था और आपने और आपकी माता जी ने किस पोजीशन से, एक एक रिप्रेजेंटेशन की पोजीशन होती है राइट, किस हक से किस पोजीशन से आपने साइन करा था, किस मतलब डू यू ओन और बाय देन और नाउ डू यू ओन भारतवर्ष या उसका कोई पोजीशन आप ओन करते हो तो आपने साइन करा होगा। तो वो चीज, ये जो प्रश्न है जो हम आपसे पूछ रहे हैं, ये आप मोदी जी से पूछ के उनका आंसर लेना कि किस हक से आपने और आपकी माता जी ने चाइना वालों के साथ में साइन करा था। ये आप मोदी जी से पूछना और उसका आंसर लेना और हमको बता। अगेन आई एम सेइंग मोदी जी हमको नहीं बताते, चुपचाप दे के आते हैं सब कुछ। आप पूछना, आपको जवाब देंगे और वो वाले जवाब हमसे शेयर करना, तो हमारा भी अपडेट होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में। ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ अराउंड 1947 तक, ठीक है ना। तो शायद मेरे मतलब मैं बहुत कमजोर हूँ हिस्ट्री में, तो अब मैं अगर गलती कहीं करूँ भूल करूँ तो मुझे क्षमा भी करना और मुझे गाइड भी करना कि आपके परनाना जी ने अक्षय चीन का पार्ट दे दिया, कश्मीर जो आ रहा था जो भारत का ही भाग था, बट उस टाइम पे आपके नाना जी वन मैन आर्मी टाइप्स थे जो पूरा डिसीजंस ले रहे थे शायद, तो कश्मीर आ रहा था भारत में तो आपके परनाना जी ने शायद उनको मना करा था। तो आप मोदी जी को पूछना कि वो आपके परनाना जी को पूछें कि भाई कश्मीर जो आ रहा था उसको आपने UN के तरफ क्यों भेज दिया। तो मोदी जी आपके परनाना जी से जवाब लेंगे, मोदी जी आपको बताएंगे, आप हमको बताना, ठीक है। फिर नेपाल जो भारत का ही भाग हुआ करता था उस जमाने में, आपके परनाना जी ने, नेपाल की इच्छा थी कि वो भारत में विलीन हो जाए पर आपके परनाना जी ने उनको मना कर दिया। तो आप मोदी जी से पूछिए कि भाई मोदी जी आपके परनाना जी से पूछें और उसका जवाब ले आए। मोदी जी हमको तो नहीं बताते, तो आपको बताएंगे जरूर, आपसे बहुत डरते हैं, तो फिर आप हमको बताना हो। फिर बात आई कि एक पार्ट हुआ करता था भारत का जो आपके परनाना जी ने बर्मा को दे दिया,
तो वो भी आप मोदी जी से पूछे कि भाई मोदी जी आपके परनाना जी को पूछे कि उसका जवाब ले आए कि भाई आपके परनाना जी ने वो पार्ट जो है वर्मा को क्यों दे दिया, जो फिर आगे वर्मा ने चाइना को दे दिया। फिर हम आते हैं बात तिब्बत की, करते हैं तिब्बत या तिब्बत। तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट रहना था, तिब्बत को आप भारत का सपोर्ट चाहिए था, पर आपके पर नाना जी ने भी वो जाने दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आपके पर नाना से इंस्पायर होके सब कुछ लुटा रहे हैं? तो आप एक काम करिए, रिक्वेस्ट है हमारी कि आप मोदी जी से ये पूछिए कि आपकी परनाना जी की इंस्पिरेशन जो है उनके मस्तिष्क में जो आई थिंक छाई हुई है, कि जो लुटा रहे हैं पूरा, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी। एंड अगेन मोदी जी हमको तो बताते नहीं, मन की बात करते हैं, सभाएं लेते हैं, डिजिटली आकर के 6 बजे बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं, पर हमको नहीं बताते। वो शायद आपको बताते हैं, आपसे बहुत डरते हैं वो। और आपने एक भी बीच में कही थी कि 15 मिनट में मोदी जी चाइना को निकाल देने चाहिए, 15 मिनट में। तो आपकी जो पार्टी है उसके पास तो लगभग 60-65 साल सत्ता रही, 60 साल तो रही रही शायद, 55 साल, 60 साल, 60 ईयर्स। तो तब आपकी पार्टी ने चाइना से ये जो अक्षय चीन है, जो ये पीओके है, जो ये टिबेट वाला पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है जहाँ पे ये मस्ती करते हैं, तब आपने क्यों नहीं हटाया ये? आप अपनी माताजी को और जो दूसरे वरिष्ठ नेता थे, है या थे, उन सब का भी जो जो हिसाब किताब है वो आप मोदी जी से पूछिए कि वो मोदी जी आपकी माता जी को, आपकी पार्टी को, के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पूछ के सबको जवाब दें। और सबको नहीं दे सकते तो आपको तो देंगे, क्योंकि आपसे बहुत डरते हैं। आप तो उनको गले भी मिले थे, तो आपकी जो मित्रता है उनसे बहुत अच्छी है। तो प्लीज आप इन सब प्रश्नों के जवाब पूछिए मोदी जी से। मोदी जी जाके नेहरू जी से भी पूछें, डिजिटली पूछ सकते हैं मोदी जी, मोदी जी के पास बहुत कुछ अलग तरीके के पावर्स हैं, वो पूछ सकते हैं। तो वो पूछ के आपको बताएंगे, आप हम सबको बताना है ना। तो तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे आपके उत्तरों की। और ये कुछ प्रश्न है, प्लीज इन पे आप सीरियसली विचार मंथन करें और इसके जवाब ले आइए, है ना। तब तक हम थोड़ा सा संभल के चलते हैं, कोरोना का टाइम है। और जो दूसरे मित्र हैं जो पहली बार आए हैं अपने चैनल पे, उनको रिक्वेस्ट है कि भाई आप सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, इस वीडियो को थम्स अप दें, थम्स डाउन दें, या ऐसे कोई प्रश्न है जो मेरे से छूट गए हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम अगली बार राहुल भाई को पूछेंगे। राहुल भाई बहुत अच्छे मनुष्य है, बातचीत हो सकती है उनसे, ठीक है ना। तो धन्यवाद, आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।